हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं क्लास 11th कम नीट जेई की ऑनलाइन क्लासेस और हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 माफ़ कीजिएगा। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले डेफिनेशन है मोशन की, बताइए हर्षिका मोशन क्या होता है? What is motion? सर, जब भी कोई पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे अपन मोशन कह सकते हैं। ओके, पहली चीज आपने कहा जब भी कोई पार्टिकल अपनी जगह से चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मोशन इज अ स्टेट, मोशन इज अ स्टेट है ना। जैसे आप बीमार होते हैं तो आपका बीमार होना एक स्टेट है। लाइक इफ यू आर इन मोशन, देन मोशन इज अ स्टेट इन विच द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, दिस स्टेट इज कॉल्ड मोशन। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू मोशन देयर इज अ वन मोर स्टेट दैट इज कॉल्ड रेस्ट। सो वॉट इज रेस्ट? सर, जब टाइम तो बढ़ते जा रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही पार्टिकल की, उसे वो पार्टिकल अपन रेस्ट पे कहेंगे। एग्जैक्टली, सो यू आर डिफाइनिंग दिस term of rest with respect to time, that an object does not change its position with respect to surrounding or with respect to time, then this is called position of rest. Done? Yes sir. अब आगे की बात है कि rest and motion are absolute term or relative term? Sir, relative term. Yes. Why so? सर, क्योंकि अगर अपन इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देंगे तो ये वैरी कर सकती हैं। बहुत शानदार आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि आप अगर ट्रेन के अंदर हैं, सो अनदर पैसेंजर विल बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, यस और नो? यस सर। बाहर कोई बंदा खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में होंगे। ओके, यस सर। सो दैट इज व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। Clear? Yes, sir. Now, what is point mass object? Sir, sir, point mass object तो नहीं पता मुझे। Point mass object नहीं पता है। Okay, देखिए जैसे आप मान लीजिए कि ground में football है। Yes, sir. Ground में football है और football का size जो होता है नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर्स, बोलो यस और नो? यस सर। ये फुटबॉल है, ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है एंड द साइज ऑफ द फुटबॉल इज नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। बट फुटबॉल जब ग्राउंड में खेली जाती है सो ये ट्रेवल बहुत ज्यादा करती है। मान लो ये किक खाते खाते 20 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, यस और नो? Yes, sir. So 20 किलोमीटर इक्वल्स टू 20,000 किलोमीटर, 20,000 मीटर, सॉरी, एंड 20,000 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इट कैन बी रिटन एज 2×10^4, 40 ये, 20 ये, 10^6 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फुटबॉल इज दिस एंड द साइज ऑफ द फुटबॉल इटसेल्फ इज 12 सेंटीमीटर, यस और नो? यस सर। इस 12 के सामने ये बहुत ज्यादा है कि नहीं है? है सर। सो सच अ ऑब्जेक्ट व्हिच डायमेंशन इज वेरी वेरी लेस देन द डायमेंशन ट्रेवल्ड बाय इट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। रीड आउट प्लीज, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट if the distance traveled by its motion is very large in comparison to its dimension. Yes. Now we are going to discuss the types of motion. अब हम types of motion की बात करेंगे कि motion के type क्या क्या हुआ करते हैं. On the basis of dimension, on the basis of dimension कि dimension के base पर, dimension मतलब axis, ठीक ना? Yes sir. On the basis of एक्सेस, चलिए तो एक्सेस के बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ
मोशन को। चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस है, यस सर, ये वाई एक्सिस है, और आपके स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ ये जेड एक्सिस है। क्लियर? यस सर। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, तो इसके चलने में केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही वेरी हो रहा है, वाई और जेड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना? नो, नहीं हो रहा सर। यस, सो सच अ मोशन इन विच ओनली वन कोऑर्डिनेट वेरीज इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। अगर मैं इस तरीके से वेरिएशन करूं, ये एक्स है, ये वाई है, एंड यू आर मूविंग लाइक दिस, देन साइमल्टेनियसली देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, वंस एक्स एंड सेकेंड वाई। यस और नो? यस सर। हाँ, सो दिस विल बी टू डायमेंशन मोशन, दिस विल बी टू डायमेंशन मोशन, एंड इन केस ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। ठीक है बच्चे, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जैसे कि मान लो आप बाहर की तरफ आ रहे हो, अपने कमरे के कोने से आप हवा में पंखे की तरफ जाओ, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, मक्खी जो मोशन करती है उसे अपन 3D मोशन कह सकते हैं ना? मक्खी का मोशन 3D मोशन है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसे मोशन को अपन 3D मोशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आप रोड में साइकिल चला रहे हैं तो ये कौन सा मोशन है? यस सर, बंडी मोशन। बिल्कुल गलत, सॉरी मेरा क्वेश्चन ही गलत है। रोड में साइकिल चला रहे हैं तो कौन सा मोशन है? तो आप अगर स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं तो ये वन डायमेंशन है, बट अगर आप सर्कुलर रोड पे टर्न कर रहे हैं तो कौन सा मोशन है? तो 2D मोशन है। बिल्कुल सही है, बिकॉज एक एक्स एक्सिस ट्रेस होगा और एक वाई। यस सर। चलिए, यस सर, पढ़िए वन डायमेंशन मोशन। इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। फॉर इंस्टेंस, motion of a block in a straight line, motion of a train along a straight track, a man walking on a level and a narrow road and object falling under gravity etc. हाँ, so object अगर gravity के under follow कर रहा है तो उसका केवल z coordinate vary होगा। बोलो yes कि no? Yes sir, yes sir. So gravity क्योंकि z axis के parallel होती है अगर कोई fall कर रहा है, तो भैया इसलिए ये one dimension motion होगा। clear है? सर, 1D मोशन में मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के अलोंग चलना चाहिए, वो आइदर एक्स आइदर वाई आइदर जेड। ओके सर, चलो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, टू डायमेंशन मोशन। If only two out of three coordinates specifying the position of the object with respect to time, then the motion is called two-dimensional motion. A circular motion is an instance of two-dimensional motion. Circular motion अभी बताया आपने, आप circle part में move कर रहे थे, so two coordinates are changing at a time, so that will be a two-dimensional motion. Clear? Yes sir, clear. Now three-dimensional motion. If all the three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time, then the motion is called three-dimensional motion. A few instances of three dimension are flying bird, a flying kite, a flying aeroplane, the random motion of gas molecule etc. Exactly, gas molecule का जो motion होता है बेटा, याद रखना, वो three dimension motion होता है। Clear? Yes sir, clear. चलिए, अब बात करते हैं position की। सबसे पहले मैं position के बारे में आपको बताऊंगा कि position क्या होती है। ओके, यस सर। सो लिखिए पोजीशन। पोजीशन भाई, आपसे मैं कहूंगा कि क्या पोजीशन है आपकी? यस सर। क्या पोजीशन है आपकी? तो पोजीशन देने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। उस रेफरेंस को हम कंसीडर करते हैं ओरिजिन। क्या कंसीडर करते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, यस।
तो पोजीशन जो होती है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी जाती है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दी जाती है, और वो बताती है कि आप थ्री डायमेंशनल सिस्टम में आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। ओके okay? हाँ, द यस सर सिचुएशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, इज कॉल्ड पोजीशन। लाइक सर अगर आप इस पॉइंट पी पर हैं तो आपकी पोजीशन देने के लिए मुझे एक ओ पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर सो पी पॉइंट की पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में यूज की जाएगी यूजिंग द वेक्टर ओ पी। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्लियर हुआ? यस यस। सो जब भी आप पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि कहीं पोजीशन क्या है, तो आप वहां पर उसकी पोजीशन बनाने के लिए एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, वो वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हाँ, क्वांटिटी। सो ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर। इसको कॉमनली आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं या एस वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ, तो पोजीशन दिखाने के लिए आपके पास एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास ओरिजिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? जैसे मैं आपसे फोन करके पूछूंगा हर्षिका कहाँ हो, तो हर्षिका बोलेगी सर रूम पे हूँ। कहाँ पे हूँ? यस सर रूम पे। रूम पे हूँ। बट मुझे समझना पड़ेगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, तो मेरा एक पहले से ही प्री डिफाइंड एक ओरिजिन होगा। क्लियर हुआ? यस सर हाँ। अब डिपेंड करता है, अगर मैं आपसे बैठ करके भोपाल से पूछ रहा हूँ तो मेरा प्री डिफाइंड ओरिजिन भोपाल हो जाएगा, सागर से पूछ रहा हूँ तो सागर हो जाएगा, और अगर अक्षत भैया पूछ रहा है आपसे तो उसका प्री डिफाइंड ओरिजिन जो है वो उसका कोचिंग क्लास हो जाएगा या घर हो जाएगा। क्लियर? यस सर सो पोजीशन बताने के लिए यस ओरिजिन का होना या रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। सो पोजीशन इज अ विच यस क्वांटिटी? सर स्केलर और वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही। और अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी पोजीशन है एक्स एक्सिस में ए यूनिट, वाई एक्सिस में आपने चले हैं बी यूनिट, जेड में चले हैं सी यूनिट, तो आपकी पोजीशन वेक्टर लिख लो बेटा आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। नोट कर लो, दिस इज केस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यस सर ए बी सी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। डन? यस सर ओके। तो ये हो गई भाई साहब पोजीशन। अब हम बात करते हैं चेंज इन पोजीशन की। ये तो पोजीशन की बात हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप में हाँ मैं आपसे बात सर कर रहा हूं चेंज इन पोजीशन। स्पेस में थ्री डायमेंशनल सिस्टम में आपकी पहले पोजीशन थी ए, एंड टू डिफाइन योर पोजीशन देयर इज अ पोजीशन वेक्टर नेम्ड ओ ए, द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन वाई वन जेड वन। ओ ए विल बी एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, प्लस पूरे। जेड वन के कैप। एंड ओ बी विल बी, अगर आप चल करके बी तक आ गए, सो योर न्यू पोजीशन विल बी एक्स टू वाई टू जेड टू, देन ओ बी विल बी एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। देन वॉट इज चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन क्या है? चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर। सो वॉट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द चेंज इन पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। चेंज इन पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? डायरेक्शन यस सो आप सर ए से लेके बी में चल गए हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए,
ओ बी माइनस ओ ए। एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक है बच्चे, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर, एंड इसका मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर। क्लियर? यस सर। वेक्टर नोटेशन इज विद डायरेक्शन एंड विदाउट वेक्टर ये जो कहलाता है इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यस सर, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, इट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन यस। और यू कैन से इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यस और नो? यस सर। और यू कैन से इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? यस। पढ़िए डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज इन मीटर। यस, सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। यस सर। बोलो समझ में आई बात? यस सर। कैसे हो सकती है? यस सर। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर आप x एक्सिस में राइट साइड मूव कर रहे हो सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। x एक्सिस में नेगेटिव साइड यूज कर मूव कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। अगर जहां से चल करके वहीं आ गए तो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, सो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो, यस। सो दैट टाइम डेल्टा x इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू कितना? जीरो। जीरो। पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं? पोजीशन को एस एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस से, यस, एस से। एंड एस इक्वल टू एस टू माइनस एक्स वन, यू कैन से इट इज डेल्टा एक्स। क्लियर? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, क्लियर है। ठीक, ये हो गए डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। हाँ सर, स्केलर क्वांटिटीज जो होती है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए ना? 27 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव और माइनस 27 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। थ्री केल्विन पॉजिटिव और माइनस थ्री केल्विन नेगेटिव, तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है ना? चलिए अब पढ़ते हैं डिस्टेंस। यस सर। कि डिस्टेंस क्या होती है? मेरे पास दो पोजीशन है, यस सर, ए एंड बी। ओके, ए से लेके बी तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता है वेक्टर ए बी। यस सर। यस सर। दिस विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एस। यस सर। यस सर। देयर इज ओनली वन स्ट्रेट पाथ। यस सर। बट देयर आर सो मैनी पाथ। स्ट्रेट पाथ इज वन बट पाथ आर सो मैनी। यस सर। यस सर।
एंड द लेंथ ऑफ पाथ, कोई भी पाथ आप बात कर रहे हैं उस पाथ की लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस. क्लियर? यस सर. सो पाथ की लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी, तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. और यू कैन से व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाथ. क्लियर? यस सर. अब एक सवाल मुझे जवाब मुझे दो छोटू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? सर जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो. बिल्कुल सही. इन अगर पार्टिकल वन डायमेंशनली मूव किया है तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही किसके इक्वल है? डिस्टेंस के. बिकॉज डिस्टेंस मीटर में आएगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मीटर में आएगा. डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा. ये सुनो. यस सर. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे आप कॉपी में लिख सकते हैं कि इन वन डायमेंशन मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस. क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर. लिखिए इन वन डायमेंशन मोशन. यस सर. इन वन डायमेंशन मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस. यस सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. बहुत बढ़िया. चलिए पढ़िए डिस्टेंस. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traversed by an object is called the distance. It is a scalar quantity and it can never be zero or negative during the motion of an object. Its unit is meter. Yes, it can never be zero and it can never be negative. Understood? Yes, sir. Because it is the path length and length can never be negative. Yes, sir. Done? Yes, sir, done. Now, अब हम बात करते हैं दो चीजों की. एक है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो गई है, तो एक बात होगी स्पीड पे और एक बात होगी वेलोसिटी पे. आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या क्या है. yes. मान लो ए से लेके बी तक आपको ट्रेवल करना है. yes, अगर डिस्प्लेसमेंट यूज करोगे तो ये होगा ए बी वेक्टर. हाँ. ठीक है. और अगर एक पाथ yes, आपके sir. पास है ये वाला, सो दिस इज कॉल्ड पाथ. यस सर. सो ये एक्चुअली आर्क बन रहा है तो इसको यूज करोगे ए बी. ओके. सो हाँ सर. यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इस चीज की कैलकुलेशन को बोलते हैं स्पीड. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. यस सर. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस. यस सर. स्पीड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब स्पीड बजेगा यस सर इक्वल टू पाथ लेंथ, ए बी की पाथ लेंथ अपॉन टाइम जितना भी लगा है डेल्टा टी. क्लियर? यस सर. क्लियर. नाउ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता, सॉरी वेलोसिटी बोलना था. वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यस सर. मतलब ए बी डायरेक्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. क्लियर? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है. कितना डिस्प्लेस हुआ है मतलब विद डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट में आपको सीधे ये देखना है, ये पाथ हाथ नहीं देखना. क्लियर? यस. इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल टू फाइनल. फाइनल. यस. ठीक है. यस सर. अब एक चीज देख लो कि जो डिस्प्ले डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है वो यूजुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है. होता है कि नहीं होता? हाँ सर. ये देखो ये डिस्टेंस है, ये ज्यादा लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट है ये कम लग रहा है. लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर. तो अगर हम दोनों में टाइम का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड और यहां पे आएगा वेलोसिटी.
सो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी. स्ट्रेट लाइन पाथ में दोनों इक्वल होंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल, बट इन अदर केसेस स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी. क्लियर? यस सर. बिकॉज स्पीड जो होती है पाथ पे डिपेंड करती है, तो स्पीड क्योंकि पाथ ज़्यादा होता है इसलिए स्पीड भी ज़्यादा होगी. तो नोट कर लो कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी. यस सर. बन जाएगा? बन जाएगा सर. चलिए पढ़ो बेटा. स्पीड द टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज एम जीरो टी वन. समझ में आया? टी माइनस वन. यहाँ पे एल भी आएगा बेटा. डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा? एल वन ई पावर माइनस वन. क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पीड. यस सर. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की. अभी आपने देख लिया डिस्प्लेसमेंट, देख लिया डिस्टेंस. yes, के टाइम रेट ऑफ चेंज को स्पीड बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट के टाइम रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. वेलोसिटी. पढ़िए. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल टी माइनस वन. It is a vector quantity. It is a vector quantity as it has both the magnitude and direction. The velocity of an object can be positive, zero, and negative.